Okay, so today on the occasion of Tech Day, I have Shlok Srivastav, aka Tech Burner, with me, who is whose smile definitely looks better than mine. So Shlok, you know, going back in time, first of all, I heard that you were trying for the IITs, right? And then you didn't make it to the IITs, and that sort of led you to become this whole tech sort of sensation on the internet. So tell us about that. So ऐसा कोई वो नहीं था ऐसे लाइक कि रिवेंज लेना टाइप ऐसा कोई एक इमोशन नहीं था स्ट्रॉन्ग बट इट वाज मोर लाइक आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब मेरे को साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे को काफी ज्यादा मजा आता था मैथ्स में इतना नहीं आता उसमें नेगेटिव मार्क्स आते थे इसीलिए हुआ भी नहीं आईटी बट मैं एक्चुअली काफी इंटरेस्टेड था बट व्हाट आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन इज expressing and helping people through technology. तो like मैं जैसे mobile पे काफी सारी चीजें नई नई try करता था और मेरे को काफी मजा आता था अपने दोस्तों को दिखाने में और बाहर के लोगों को दिखाने में कि देखो ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा स्मार्टफोन के साथ इसमें ये वाला सेटिंग चेंज करके ऐसे वाई फाई की स्पीड बढ़ जाती है इसमें ये हो जाता है ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी तो ऑल ऑफ दैट लेड टू जस्ट एक क्यूरियोसिटी कि लाइक लोगों को ये चीजें नहीं पता है इनको बताते हैं इनको काफी ज्यादा मजा आएगा इनकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट लेड टू लाइक वेरी मतलब बहुत ही बेकार क्वालिटी की वीडियोस इनिशियली बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक एंड आई डिडंट हैव एनी इक्विपमेंट तो द लाइक क्वालिटी इन इटसेल्फ वाज रियली बैड मतलब ऐसे पापा के लैपटॉप से भी मैंने वीडियोस बनाई है जिसमें नीचे तो पंखे चलते रहते थे तो ऐसा लगता है हेलीकॉप्टर के बीच में बैठ के बना रहा हूँ एंड उसके बाद आई स्विच टू एक स्मार्टफोन जिसकी बड़ी स्क्रीन टूटी हुई थी बट उसका जो कॉन्टेंट था And I was also very bad at speaking. I was a very introverted person. मैं बात भी नहीं कर पाता था जाके लोगों से तो दोनों चीजें बहुत बेकार थी बट जो कॉन्टेंट और जो चीजें बता रहा था दे वर यूजफुल सो पीपल केम इन एंड दे वॉच्ड एंड ओवर टाइम आई ऑल्सो इम्प्रूव्ड एंड द पीपल ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड कि हाँ हमारी हेल्प कर रहा बार बार तो इट्स वेंट फ्रॉम 10 व्यूज टू 20 व्यूज टू 30 व्यूज उस टाइम पे ज़्यादा आते नहीं थे अब काफी ज़्यादा आने लगे लोगों के लाख लाख व्यूज़ आ गए बाय 10 एंड 20 इन योर लैंग्वेज यू मीन 10,000 नो इट वाज 10 व्यूज 20 व्यूज 100 व्यूज ऐसे ऐसे करके इनिशियली बहुत मतलब बहुत स्लो ग्रोइंग प्रोसेस था एंड इट हैज बीन लाइक आई थिंक 9 इयर्स नाउ जो हम वीडियोस बना रहे हैं तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और लाइक दैट केप्ट मी गोइंग कि लाइक वो जो लोगों से फीडबैक आता था ना कि किसी ने स्मार्टफोन के अंदर कुछ कर दिया कोई फोटो शेयर करता था कुछ करता तो उन सब में मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होती है ऐसा सो दैट होल स्टेज ऑफ यू गोइंग फ्रॉम यू नो लाइक यू सेइंग 10 20 30 100 व्यूज टू अ रेगुलर कंजम्पशन ऑफ व्यूज के जब आपको 10,000 20,000 30,000 व्यूज मिल रहे हैं 100,000 व्यूज मिल रहे हैं वो कितना टाइम लगा उसमें वो दैट टुक द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कि मतलब बिकॉज I will be very honest. So when you start something very new, I didn't know how to speak. I didn't know anything about camera technology, edit कैसे करना है, setup कैसे करना है, how YouTube works. I had zero skill set. So to acquire that skill set and like make good videos regularly, it took me I think about 4 or 5 years just to do that, just to acquire the skill set, just to be able to speak in front of the camera. properly so that like an average person can watch नहीं skill set ठीक है मैं बोल रहा हूँ आप बोलो 4-5 साल लेकिन skill set is one thing but for the views to start coming in the 10,000 and lakhs and all उसमें कितने साल लगे 2 साल 4 साल yeah that's what and it was very मतलब views के साथ ना correlate कर रहा था जैसे 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 skill set बढ़ता गया ना वैसे वैसे views भी बढ़ते गए और मेरे हिसाब से ये social media platform इस हिसाब से structure है कि आप अच्छा content बनाओगे तो और जाता है ज्यादा लोगों तक तो 4-5 साल मेरे स्किल सेट को डेवलप होने में भी लगे और एक बेसिक सेट ऑफ व्यूज आई थिंक 10,000-50,000 के अराउंड व्यूज उस टाइम तक आने लगे थे तो इट टुक 4 or 5 years बट उसके बाद चीजें होने लगी थी पर जब कम व्यूज आ रहे थे जैसे 100 व्यू 200 व्यू 500 व्यू या कम लाइक्स आ रहे थे तो उस टाइम डिडंट यू गेट सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड या डिजेक्टेड कि यार मैं क्या कर रहा हूँ इतना एफर्ट कर रहा हूँ व्यूज नहीं आ रहे हैं यूट्यूब एल्गोरिथम इज अगेंस्ट मी कोई दूसरा वीडियो बनाता है उसका वायरल चले जाता है कोई नागेट डांस करता है उसका वायरल चले जाता है मैं इतनी अच्छी चीजें कर रहा हूँ मेरा जल्दी क्यों नहीं वायरल हो रहा
उस टाइम के हिसाब से अच्छे भी यूज थे। इस टाइम मैं कंपेयर करा ना यार, पिछले वाली वीडियो में 10 व्यूज आए थे, इसमें 15 आ गए हैं भाई, ये तो वायरल। तो लाइक आई वॉज कंपेयरिंग इट विद माई सेल्फ ओनली, एंड ऑल्सो द वन थिंग आई डोंट नो हाउ बट आई हैड द सेल्फ रियलाइजेशन वेर आई न्यू कि द वीडियोज दैट आई वॉज क्रिएटिंग आर मतलब ये बेकार वीडियो, मतलब ये इतनी अच्छी वीडियोज नहीं है। आई न्यू दैट और आई न्यू हाउ टू इम्प्रूव एंड हाउ टू गेट टू अ बेटर क्वालिटी और बेटर क्वालिटी वीडियोज, एंड आई न्यू कि लाइक बेटर क्वालिटी वीडियोज बनाएंगे तो बेटर व्यूज भी आ जाएंगे। तो दैट वॉज जस्ट एक बिलीफ और एक लाइक सेल्फ कॉन्शियसनेस यू कैन से। तो एंड द ओनली थिंग वॉज लाइक आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू कम अप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड स्पीक, क्योंकि मतलब 10 लोग भी देखने आ रहे मेरे लिए तो बड़ी बात थी, 100-200 लोग भी देखने आ रहे, क्योंकि लाइक आई वॉज अ पर्सन हु वॉज नॉट एबल टू स्पीक टू एनी पर्सन इन लाइक रियल लाइफ। तो लाइक दैट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी, लाइक इट माइट फील स्मॉल कि लाइक 10 व्यूज क्या ही होते हैं, बट लाइक उस टाइम पे 10 व्यूज 20 व्यूज भाई बहुत होते थे मेरे लिए। अल्टीमेट इंस्पिरेशन है, अगर 10 व्यूज में भी तेरे को ऑप्टिमिज्म था दैट्स ग्रेट। अच्छा नाउ यू नो वन थिंग व्हिच आई रीडिंग अबाउट यू, आई रिमेंबर कि पहले आप इंग्लिश में वीडियोस कर रहे थे, फिर आप हिंदी में वीडियोस करने लगे ऑल्सो, एंड फिर आप मिक्सचर में करने लगे, तो व्यूज जो मैक्सिमम व्यूज होते हैं वो हिंदी में आते हैं या इंग्लिश में आते हैं इन इंडिया, इन अ प्लेस लाइक इंडिया, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द एल्गोरिथम राइट? I'll be very honest, so I was in South India. I was studying in Chennai for the for 5 years, and wahan pe everyone around me in Chennai was speaking in English because English was a common language which everybody used to speak. So I started my channel in English thinking ki like yaar aas paas mere log sare English hi bol rahe hain, English hi bolte hain log India mein, mere ko that's what I felt. But when I like after I quit college, I didn't quit, like I after I completed college I came back to Delhi. Then I realized कि जब मैं रिक्शे में जा रहा था तो लाइक एक एवरेज पर्सन इज स्पीकिंग हिंदी, और इट्स सो वियर्ड दैट यू गेट सो मच इन्फ्लुएंस बाय द सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट जो आपके आसपास का रहता है, कि अगर आप यूएस में रह रहे हो तो आपको लगता है सब इंग्लिश ही बोल रहे हैं, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो आपको लग रहा है हर बंदा लैपटॉप ही चला रहा है, बट इंडिया में बस 5% लोग लैपटॉप एक्चुअल चला पाते हैं, एंड वो मतलब ये स्टेटिस्टिक काफी लोगों को वो मतलब काफी ब्लो योर माइंड वाला हो जाता है। बट आई थिंक हिंदी में शिफ्ट करने का रीजन यही था कि व्हाट आई फेल्ट वाज कि जो दिल्ली मुंबई के लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं उनको पता चल जाएगा मोबाइल के बारे में, वो ढूंढ लेंगे गूगल पे कहीं पे सर्च मार के, बट आई थिंक जो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन और हिंदी का जो एक डेप्थ है वो काफी ज्यादा है, और मेरी लाइक मदर टंग में हिंदी है तो मैं काफी बेटर कनेक्ट प्रोवाइड कर पाता हूँ। एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि लाइक ऑल्दो देयर इज अ लॉट of English speakers in India, मतलब actually अगर आप बाहर के channels के भी views देखो तो उसमें number second या number three पे India की audience होती है। India wise if you look at it obviously there are a lot of Hindi speakers also, and also that has a certain level of comfortability and all. Last question sort of because we're running out of time right now. In 60 seconds tell me your thoughts on Elon Musk taking over Twitter, good or disaster? I'll be very honest, like I feel it's a good move because Elon Musk is a person who is very open publicly, and what I feel is before this the like essentially a lot of investors were controlling the narrative, and if not Elon Musk then there would be some investor controlling free speech, or whoever the investor in the companies would be controlling it to some extent. And what I feel is I think if he does a bad job, then the public won't reward him. And his ideas and his thought process of creating an open source algorithm and giving out everything openly, how the decisions are being made, I think that's something that not any social media platform has been able to do. So I think I completely align with that direction, that if, okay. If he's going to say what he's going to do, I think if he is going to do what he's saying currently, like opening the algorithm and following the government guidelines, I think that would make Twitter a lot better. That's what I believe. Okay. So, I mean, only sort of time will tell, but interesting viewpoint you have. Thanks a lot for talking to us today. And I believe
There's a lot more to talk to you about. We'll probably do some more videos with you and interactions with you, but all the best for the future, Shlok. Take care. Thank you. Bye. Nice talking to you. Bye-bye. Bye-bye.